तमाम सियासी शोर और अटकलों के बाद आखिरकार दिल्ली को मेयर मिल ही गया और केजरीवाल खुश भी हो रहे थे, लेकिन केजरीवाल की खुशी में ग्रहण लग गया है। जी हाँ, केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली नगर निगम चुनाव में आखिरकार आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो ही गई। शैली ओबरॉय बीजेपी की रेखा गुप्ता को मात देकर दिल्ली की महापौर बन गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के 84 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर शैली ओबरॉय 34 वोटों से चुनाव जीती, लेकिन वो महज 38 दिन ही महापौर के पद पर रहकर काम कर सकेंगी। शैली दिल्ली एमसीडी में 31 मार्च तक मेयर रहेंगी और उसके बाद 1 अप्रैल को फिर से मेयर का चुनाव होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर फिर से चुनाव क्यों होगा, तो वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, दिल्ली के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। इस तरह से शैली ओबरॉय 34 वोटों से जीत दर्ज की है, लेकिन उन्हें मेयर बनने के लिए 84 दिनों का इंतजार करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे 7 दिसंबर 2022 को आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। एमसीडी सदन में मेयर चुनाव के लिए 3 बार बैठक हुई और 3 बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे के चलते मेयर का चुनाव नहीं हो सका। ऐसे में चौथी बार अब जाकर 84 दिन के बाद सदन की बैठक हुई, जिसमें शैली ओबरॉय मेयर चुनी गई। बता दें कि शैली ओबरॉय भले ही बड़ी मशक्कत और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेयर चुन ली गई है, लेकिन अपने पद पर सिर्फ 38 दिन ही रहेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो इसके लिए एमसीडी एक्ट को जानना जरूरी है, जिसमें 1 अप्रैल 31 मार्च तक के लिए ही मेयर चुना जाता है। डीएमसी एक्ट की धारा 2 यानी कि 67 के अनुसार एमसीडी का वर्ष अप्रैल माह के पहले दिन से शुरू होता है। इस तरह अगले साल 31 मार्च को वर्ष समाप्त हो जाएगा। इस लिहाज से 22 फरवरी को शैली ओबरॉय मेयर चुनी गई है, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इस तरह से वो सिर्फ 38 दिनों तक ही मेयर पद पर रहकर कामकाज कर सकेंगे। इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। अब आपको बता दें कि आखिर कौन है शैली ओबरॉय। 39 साल की शैली ओबरॉय पश्चिमी दिल्ली के पूर्वी पटेल नगर वार्ड की निर्वाचित पार्षद है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। वो भारतीय वाणिज्य संघ की आजीवन सदस्य भी हैं। ओबरॉय ने इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से प्रबंधन अध्ययन में पीएचडी की है। उनके नाम कई पुरस्कार और सम्मान भी हैं, जो उन्हें विभिन्न सम्मेलनों में मिले हैं। शैली ओबरॉय 2013 में एक कार्यकर्ता के रूप में आप में शामिल हुई और 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही। पहली बार पार्षद के रूप में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में भाजपा के गढ़ में जीत दर्ज की। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक पूर्व विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और पहली बार पार्षद शैली ने दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख आदेश गुप्ता के गृह क्षेत्र के पूर्वी पटेल नगर से चुनाव लड़ा और अपनी प्रतिद्वंदी दीपाली कुमारी को 269 मतों से हराया। अब रेखा गुप्ता को हराकर मेयर चुनाव चुनी गई है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।